खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमारा एहसान खान। मोदी वर्सेस ममता की जंग के बीच आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार में टकराव के बीच का रास्ता निकाला गया। पुलिस कमिश्नर की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई, लेकिन पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने बंगाल के बाहर ही सही पेश तो होना होगा राजीव कुमार। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी अपनी जीत और बीजेपी अपनी जीत बता रही है। संविधान की शपथ में यही हमारा आज का मुद्दा। सवाल बड़ा सीधा, मोदी वर्सेस ममता में कौन जीता कौन हारा? मोदी वर्सेस ममता की जंग में सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला। कोलकाता पुलिस कमिश्नर की गिरफ्तारी नहीं लेकिन पूछताछ होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी राजनीति गर्म। ममता का दावा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी जीत। आई थिंक इट्स अ मॉरल विक्ट्री। व्हाई इट्स अ विक्ट्री? वी सेड वी हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द जुडिशियरी एंड द मीडिया एंड ऑल द इंस्टीट्यूशन। व्हाट दे हैव स्टार्टेड डूइंग, दे वांटेड टू अरेस्ट हिम, दे गोइंग टू हिज हाउस विद सीक्रेट ऑपरेशन संडे विदाउट एनी नोटिस। दैट कोर्ट सेड नो अरेस्ट। वी आर सो ग्रेटफुल, वी आर सो ऑब्लाइज्ड। बीजेपी बोली ममता की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनके पुलिस कमिश्नर को अपीयर होना होगा सीबीआई के सामने, और कलकत्ता में नहीं शिलोंग में अपीयर होना होगा। ये बहुत ही ईमानदार जांच के लिए बहुत ही उचित आदेश माननीय उच्च न्यायालय का, ताकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को राजनीति के दबाव से मुक्त किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के फटकार और सरकार के ऊपर लगे तमाचे के बाद ही यदि ममता बनर्जी को जीत नजर आ रही है तो मुझे लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि है। बीजेपी और ममता दोनों पर बरसी सीपीएम। जिस तरह से ममता बनर्जी सीआईडी को और कलकत्ता पुलिस को इस्तेमाल करके, विधाननगर कमिश्नर को पुलिस को इस्तेमाल करके अपना करप्शन ढाक रही थी, उसी तरह से मोदी अमित शाह अपना करप्शन ढाक रहे हैं सीबीआई को इस्तेमाल करके, और ये उसको चोर बोला वो उसको चोर बोला, जबकि दिक्कत यह है कि दोनों चौकीदार चोर हैं। जिस पुलिस ऑफिसर ने ममता बनर्जी की खुद दलाल है, उनके प्रोटेक्शन के लिए उनको रक्षा करने के लिए ममता बनर्जी को आंदोलन छेड़ना उनको मोरालिटी है। तो इस तरीके की मोरालिटी अगर किसी नेता के पास रहे तो इसमें मुझे और क्या, मैं क्या कर सकता हूँ। मोदी वर्सेस ममता, कौन जीता कौन हारा? तो मोदी वर्सेस ममता, कौन जीता कौन हारा, इसी की पड़ताल करेंगे हम। और संविधान का दायरा क्या है ये समझिए। दरअसल मोदी और ममता के बीच घमासान सीबीआई को लेकर मचा हुआ है। ममता का आरोप यह है कि केंद्र सरकार बंगाल सरकार को परेशान कर रही है, जबकि बीजेपी का दावा यह है कि ममता मनमानी कर जांच की राह में रोड़ा डाल रही है। आपको बता देते हैं कि सीबीआई और केंद्र राज्य के रिश्ते पर संविधान क्या कहता है, इसे गौर से सुनिए। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत एक संघीय राज्य है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां हैं स्पष्ट किया गया है। दोनों के अपने अपने दायरे हैं जो बनाए गए हैं इस संविधान के जरिए। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट के तहत सीबीआई का गठन किया गया। राज्य की अनुमति के बिना सीबीआई किसी राज्य में खुद से जांच कर नहीं सकती। अगर राज्य ने मना कर दिया फिर कोर्ट से अनुमति लेकर जांच की जा सकती है। और सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कार्मिक मंत्रालय फिलहाल प्रधानमंत्री के पास है। तो यह है संविधान का दायरा जिसके तहत हम चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा में खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा, टीएमसी समर्थक राहुल चक्रवर्ती, कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत, और हमारे साथ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी आज की इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। चर्चा में शुरू करूं उससे पहले एक अहम जानकारी दर्शकों को दे देते हैं। कृपया ध्यान दें, एबीपी न्यूज पर तमाम मेहमानों से गुजारिश कि वो मुद्दे से जुड़े अपने तर्क रखें, ऐसी बातें ना करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। देखिए हमारा मकसद जो है वो चर्चा करना है, शोर मचाना नहीं। हम ये साफ कर दें कि शो में मेहमान जो विचार व्यक्त कर रहे हैं वो उनके निजी विचार या उनकी पार्टी के विचार हैं, एबीपी न्यूज के नहीं है। और संविधान की शपथ में हमने जो नई शुरुआत की है वो ये कि हम कार्यक्रम के शुरू में एक एक मिनट का वक्त बिना रोक टोक के मेहमानों को देते हैं। संबित पात्रा, शुरुआत आपसे करने जा रही हूं। सवाल मोदी वर्सेस ममता, कौन जीता कौन हारा? ममता बनर्जी कह रही है नैतिक जीत तो मेरी हुई है।
संबित, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए रुमाना जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ममता बनर्जी जी इस बौखलाहट में कैसे कह रही है कि वो उनकी जीत हुई है। तीन प्रेयर्स थे, प्रेयर मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई ने तीन प्रार्थना रखा था। प्रार्थना नंबर एक यही था कि राजीव कुमार जो पुलिस कमिश्नर है कलकत्ता के, वो अपने आप को सीबीआई के जांच के हवाले करे, सीबीआई उनकी जांच कर सके, जो कि वो नहीं कर रहे थे इतने सालों से। दूसरी जो प्रार्थना थी वो यह था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे किसके खिलाफ, तीन लोगों के खिलाफ, डीजी पुलिस के खिलाफ, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ और राजीव कुमार जी के खिलाफ। और जो तीसरा प्रार्थना कोर्ट को सीबीआई ने किया था कि सीबीआई के लोगों के साथ, अफसरों के साथ जिस प्रकार का बर्ताव वहां के पुलिस ने किया है, उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे। अब कोर्ट ने क्या नतीजा दिया? कोर्ट ने पहला नतीजा दिया कि हां, जो प्रार्थना सीबीआई ने की थी कि राजीव कुमार जी की सीबीआई जांच हो, वो जांच होगी। कलकत्ता में नहीं होगी, सिलोंग में होगी, क्योंकि एक न्यूट्रल प्लेस में होगी। कलकत्ता में कहीं ना कहीं कानूनी व्यवस्था बिगड़ी हुई है और शायद जांच पे किसी प्रकार का असर पड़े। आप कह रहे हैं कि ममता की जीत नहीं, ममता की तो मनमानी पर ब्रेक लगा है। टीएमसी समर्थक राहुल चक्रवर्ती का मैं रुख करूंगी, 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं जरा। नहीं नहीं सर, बाद में डिबेट खोलूंगी, उसके बाद विस्तार से आइएगा। एक एक मिनट का फॉर्मेट ये नया शुरू किया है, आज आप पहली बार इस फॉर्मेट पर शिरकत कर रहे हैं संबित, आगे आ जाऊंगी आपके पास। सुरेंद्र राजपूत जी, पॉइंट किसने स्कोर किया, मोदी या ममता? आपका समय शुरू होता है अब। रुमाना, यहां पर लोकतंत्र की जीत हुई है और तानाशाही रवैये की नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रवैये की हार हुई है। बहुत स्पष्ट रूप से कल तक सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि राजीव कुमार आरोपी हैं। आज उसी सीबीआई और उसी भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहा कि वो गवाह हैं। तो आज सबसे पहले, कल उन्होंने कहा था कि वो तथ्यों के साथ सबूत नष्ट कर रहे हैं, आज ऐसा कोई प्रमाण उन्होंने पेश नहीं किया। सच्चाई यह है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। कलकत्ता हाई कोर्ट से जो स्टे था राजीव के पास, वो आज दिखाया गया। तो सामने आज भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही विद्रूप चेहरा और गैर लोकतांत्रिक चेहरा सामने आया, जिसको वो सीबीआई को सामने रख करके इस लोकतंत्र की हत्या करना चाहते थे। तो निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक ताकतों की पूरी जीत हुई है और इस जीत का सेहरा कहीं ना कहीं ममता जी ने, चूंकि वहां लड़ाई लड़ी और हम सब लोग समर्थन में थे, वो समर्थन ममता जी के साथ में लोकतांत्रिक ताकतों को बचाने के लिए। ठीक है सर, समय हो गया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के समर्थक राहुल का रुख कर लेती हूं। राहुल चक्रवर्ती, बीजेपी कह रही है ममता की मनमानी पर तो ब्रेक लग गया, हार जीत किसकी? राहुल, बात भाई ये है, जो देखिए एक चीज आपको गौर से समझना पड़ेगा। पहला बात तो ये है, जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने जो राय दी है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, और ये पूरा पूरे लोकतंत्र की जीत हुआ। क्यों? ये हिंदुस्तान की आम की जीत हुई, क्यों बताइए? बात यह है, अगर ऐसा कोई शक था जो चीज कहते आ रहा है, जो राजीव कुमार आरोप दोषी है, राजीव कुमार दोष है, वो इसमें यो है वो है, कभी सबूत का सबूत नहीं है, मगर फिर भी ये लोग 40 आदमी लेकर पहुंच गए उनका घर में, जहां पे मिनिमम एक प्रायर परमिशन लेना चाहिए था, वो भी नहीं लिया, मगर जानबूझ के संडे के दिन रात को चला गया उनका घर, 40 आदमी लेकर पूछताछ करने के लिए, हमको विश्वास नहीं करना पड़ेगा। बात यह है, अगर राजीव कुमार जी ने नहीं किया 3 बार नोटिस देने की बात, कभी तो राजीव कुमार जी ने यह नहीं कहा जब मैं कॉपरेट नहीं करूंगा, ऐसा कहीं भी वो कहा है? आप दिखा सकते हैं कहीं भी राजीव कुमार जी कहा है मैं कॉपरेट नहीं करूंगा? तो किस बात के लिए 40 आदमी लेकर रात को पुलिस को घर में चला गया? तो बात यह है, वो तो हाईकोर्ट था, वहां ठकटा था, कलकत्ता हाईकोर्ट था। ठीक है, तो आपका समय अभी के लिए खत्म होता है। मैं आगे इस चर्चा में आपके पास आऊंगी, मैं आगे आपके पास इस चर्चा में आऊंगी। और मेरे मन में सवाल ये उठ रहा है कि यहां जो दलीलें दे रहे थे आप सुप्रीम कोर्ट में, दलीलें वैसे टीएमसी की तरफ से क्यों नहीं रखी गई? लेकिन आगे पूछूंगी मैं आपसे ये सवाल। फिलहाल मैं जल्दी से रुक करती हूँ। विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ मौजूद है। विक्रम सिंह जी, आपकी नजर में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, जीत किसकी, सीख किसके लिए? रुमाना जी, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, राजनीति के चश्मे से न देख करके उसको एक कानून व्यवस्था संबंधित जो आदेश दिया है उसका सबको सम्मान करना चाहिए, निष्ठापूर्वक अनुपालन करना चाहिए। दोनों पक्ष अगर अपनी जीत कह रहे हैं तो इसके बारे में आप स्वयं समझ सकती हैं कि किसी ने खींचा तानी करने की कोशिश की। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को अक्षरशः अगर आप उसको पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि शिलोंग में न्यूट्रल प्लेस पर क्यों बैठक कराई जा रही है, जो पूछताछ कराई जा रही है।
और सीबीआई अगर किसी को कह रही है तो आवेदक भी आरोपी बन सकता है, गवाह भी आरोपी बन सकता है। गिरफ्तारी का प्रश्न तो पहले भी नहीं था, पूछताछ के लिए जाने पर यह अप्रत्याशित घटना होना सीबीआई के साथ इस प्रकार की, ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश समय पर प्राप्त हो गया तो लोगों की मनमानी समाप्त हो गई, वरना इस प्रकार का कानून व्यवस्था के साथ, संविधान के साथ तांडव और इस प्रकार से जो विधि एवं व्यवस्था के साथ खिलवाड़, मुझे तो नहीं याद है कि इस प्रकार का कहीं ठीक है सर, ठीक है सर, समय 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 हो गया सर, समय हो गया, मतलब आप कह रहे हैं कि सीख कहीं ना कहीं ममता सरकार के लिए है। अब मैं चर्चा खोलती हूँ, एक एक मिनट का समय मैंने सब मेहमानों को दिया, और राहुल अब मेरा सीधा सवाल आपसे है, कल से आप मेरे साथ डिबेट्स में आ रहे हैं और आपकी तरफ से बार बार जो बड़ी बात कही जा रही है कि भाई संघीय ढांचे पर हमला किया जा रहा था सीबीआई की इस कार्रवाई के जरिए, आप कल से ये दोहरा रहे हैं बिना वारंट सीबीआई ये कार्रवाई कैसे अंजाम दे सकती है, सिलेक्टिव कार्रवाई सीबीआई कैसे अंजाम दे सकती है। सर तो सीबीआई को थोड़ी डांट तो लगवानी थी सुप्रीम कोर्ट में, ये तमाम दलीलें आपने क्यों नहीं रखी जज साहब के सामने कि साहब संघीय ढांचे पर हमला कर दिया सीबीआई ने, तो आपने क्यों नहीं कहा जज साहब से कि बिना वारंट के सीबीआई आ गई थी। जो डिबेट्स में आप तमाम बातें कहकर राजनीति गरमा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जबान क्यों नहीं बोली। आप जो कह रही थी कल से जो बात जो हमारा साथ चर्चा हो रहा था वह बार बार एक ही बात सामने आ था, राजीव कुमार दोषी है, राजीव कुमार दोषी है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी यह बात कह दिया राजीव कुमार दोषी है? ये बात कहां से सामने आई कि राजीव कुमार दोषी है? बताया था ये बात कहां से सामने आई कि राजीव कुमार दोषी है? संडे का दिन टीएमसी जो है, टीएमसी जो है वो अपने हिसाब से कहानी बनाई जा रही है सर, कभी नहीं कहा सर, आप स्क्रिप्टिंग अपने हिसाब से कर रहे हैं, जो कहा है आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, टीएमसी अपने आप कह देते हैं राजीव कुमार दोषी है, अपने आप कह देते हैं सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जो है वो राजीव कुमार को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। आप सीधे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप कल से कह रहे हैं बिना वारंट सीबीआई कैसे तैयार है, आपने क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट से आज बात कही जो वो जांच में कोऑपरेट नहीं करेंगे, अब ये बताइए हमको। आप मुझे बताइए कल से जो दलील आप दे रहे थे आपने सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं कहा कि संघीय ढांचे पर हमला हो रहा है, आपने लोकतंत्र बचाने की दुहाई सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं दी, मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल सरकार ने रोक लगा रही है तो इसमें सरकार ने दोषी है, कभी तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा, अब तो ये बताइए रुमाना जी, ये परसेप्शन तैयार किया जा रहा है और हर संविधान प्रतिष्ठा हर संविधानिक प्रतिष्ठान को ये लोग पॉलिटिकलाइज कर रहा है। आज ये साबित हो गया ममता बनर्जी ने जिस तरह से आंदोलन की और ये लोकतंत्र की जीत है, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को नहीं 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 आप जो नजरिया चाहेंगे भ्रष्टाचार वही नजरिया तो देश नहीं देखेगा ना सर। आप मुझे सीधी बात बताइए, आपने क्यों नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट को कि बिना वारंट के सीबीआई पहुंची थी, जी कहा या नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? अरे सुप्रीम कोर्ट ये कहा था जो आप लोग सही किया, आप अपना सवाल का जवाब तो दीजिए, मतलब इतने दिन से जो आप डिबेट्स कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ना, आप गलत तथ्य दे रहे हैं ना, आपने क्यों नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि संघीय ढांचे के लिए खतरा पैदा हो रहा था, आपने कहा, आपने कहा उन्होंने सभी सबूत मांगा था और सबूत देने में फेल कर गया, वो भी एक झूठ था सीबीआई का। सर आप अपनी जीत कैसे बता सकते हैं ये बता दीजिए इस देश को, क्योंकि आप लोगों ने तो जांच होने नहीं दी, आप लोगों ने तो पूछताछ के लिए ढाल बना ली और अब सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है पूछताछ होगी, ये जीत कैसे हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कर दिया ना पूछताछ होगी। तो अगर कोई इसको इनकार कर रहा था क्यों ना हाईकोर्ट में गया, क्यों रात 40 आदमी लेकर पहुंच गया घर में, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना कहा था इसको, जवाब नहीं है आपके पास, सुन लीजिए राहुल जी आपके पास जवाब है नहीं सर, आप जवाब दे नहीं पा रहे, मैं आपसे दो सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे दो सवाल पूछ रही हूँ, टीएमसी ने अपना पूरा नैरेटिव इस बात पर खड़ा किया कि बिना वारंट के सीबीआई पहुंची थी, टीएमसी ने अपना पूरा नैरेटिव इस बात पर शुरू किया कि संघीय ढांचे के लिए खतरा है, ना आपने संघीय ढांचे की दुहाई दी सुप्रीम कोर्ट में, ना आपने बिना वारंट सीबीआई की कार्रवाई सीबीआई की प्रक्रिया पर कोई सवाल उठाया, मतलब आप झूठ बोलते हैं, मतलब आप दो जबान बोलते हैं, एक जबान सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं और एक जबान जनता के बीच आकर बोलते हैं। हिंदुस्तान में बाकी सब दल सब एक साथ साथ में कांग्रेस भी आज शामिल हो गया, क्यों, ये संविधान का खिलाफ था, ये लोकतंत्र का खिलाफ था, इसको बचाना फर्ज था सबका, इसलिए खतरा हो गया। ठीक है संबित पात्रा आइए, संविधान के खिलाफ था, लोकतंत्र के खिलाफ था, लेकिन ऐसी कोई दुहाई सुप्रीम कोर्ट में तो दी नहीं गई। देखिए सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि तीन जो प्रेयर थी, पहली बात तो है किसी ने नहीं कहा कि राजीव कुमार जो है वो दोषी है, हमने कहा राजीव कुमार दोषी को बचाने के लिए सीबीआई से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं,
और बिल्कुल आपने देखेंगे कि जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई है उन्होंने कहा कि बिल्कुल क्या कारण है कि राजीव कुमार कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है कि वेस्ट बंगाल की पुलिस इस पूरे विषय में कोऑपरेट नहीं कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इंस्टीट्यूशन से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब कानून से बड़ा नहीं हो सकता, कर रही है ना जनता को, राजीव कुमार की जांच मतलब टीएमसी गुमराह कर रही है ना जनता को, मुद्दे पर आइए ना आप, ऑफकोर्स गुमराह कर रही है, बिल्कुल गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है, कुछ भी नहीं है तो चिल्ला रही है। दूसरी बात देखिए, हमने यहां पर कहा था भारतीय जनता पार्टी का, एक मिनट मैं इसी पर आगे बढ़ूंगी और मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, एक ऐसी पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ और बोलती है, जनता के बीच आकर कुछ और बोलती है, कांग्रेस उस पार्टी के साथ क्यों खड़ी हुई है? क्या कांग्रेस भी चाहती है कि जनता को, लोकतंत्र को, संविधान को गुमराह करने की हर संभव कोशिश की जाए? क्या गुमराह करने का ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने सीलबंद लिफाफों में ले रखा है रुमाना? जब भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में राफेल के मुद्दे पर गुमराह करती है तब भी आप क्या यही क्वेश्चन करती हैं? आप एक चीज बताइए, कहां किसने गुमराह किया, कितनी देर बहस हुई, आपको मालूम है कितनी देर बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में? और सुप्रीम कोर्ट ने रंजन गोगोई ने जितने सवाल पूछे हैं उन सवालों का सारा जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं दिया, वहां वकीलों ने दिया है, और वहां के वकीलों ने जो बात स्पष्ट करी है जिसमें रंजन गोगोई सहित पूरी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि आज लोकतंत्र के लिए खराब दिन है और इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ये आरोपी नहीं है और ये जो है कहीं ना कहीं गवाह है और ये पूछताछ में सहयोग करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने तो कल कहा था कि आप लाइए इसके खिलाफ, राजीव कुमार के खिलाफ सबूत और हम इनको ठीक कर देंगे। कितने सबूत लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी, ये बताइए। और मैं अभी आदरणीय संबित पात्रा जी कह रहे थे कि साथ किसी ने नहीं कहा, रविशंकर प्रसाद सहित, मैंने संबित को नहीं सुना है लेकिन रविशंकर प्रसाद सहित सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव कुमार को आरोपी बता रहे थे, किसी एक ने भी गवाह नहीं बताया। और गवाह से पूछताछ करने के लिए विक्रम सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, बताएं, सफीना दिया जाता है, सफीने के बाद सफीना दिया जाता है और उस पर भी वो ना हो तो आज फिर उसके बाद वारंट लिया जाता है गवाह के लिए, वो आरोपी नहीं है। सर, अगर आप आरोपी नहीं है तो तब आप कैसे कर सकते हैं किसी आदमी को 40 लोगों के साथ पूछताछ की जाती है? आरोपी नहीं, अभी राहुल बात कर रहे थे, वो कह रहे थे दोषी करार दे रहे थे, पहले तो आप लोग तय कर लो कि क्या करार दिया जा रहा था बीजेपी और सीबीआई की तरफ से। मुझे राहुल क्या कह रहा है मुझे नहीं मालूम, मैं कानूनी बात कर रहा था। आप कह रहे हो जी आरोपी करार दिया जा रहा था, मैं राहुल की ट्विस्ट आप लोग कर रहे हैं ना सर, यहाँ पर ट्विस्ट कर रहे हैं आप लोग प्रवक्ता, और जो सवाल आपने पूछे हैं संबित पात्रा से, संबित पात्रा आइए जवाब दीजिए। मैं कोई ट्विस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं संविधान सम्मत बात कर रहा हूँ। सर ट्विस्ट तो मैं अभी आगे बताऊंगी आपको कैसे कांग्रेस ने दिया है 2014 के इसी मामले पर, देख लीजिए बयान उठाकर कांग्रेस पार्टी के, और 2019 चुनावी साल में बयान देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किसको ट्विस्ट कहते हैं। सर 2014 और 2019 जबरदस्त ट्विस्ट, मैं आ रही हूं उस पर, लेकिन पहले संबित जवाब दीजिए जो सवाल सुरेंद्र राजपूत की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। संबित पात्रा, देखिए पहली बात तो है कोर्ट ने कहा कि क्या एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, ये केंद्र सरकार या मतलब सॉरी सीबीआई जो है वो हमें भेजे, तो सीबीआई ने अपना एफिडेविट दिया है, एफिडेविट मेरे सामने है, आप देखिए 23 पेज का एफिडेविट है, इसमें पेज नंबर 17 में उन्होंने लिखा है कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर को किस प्रकार से ध्वंस करने का, खत्म करने की जो साजिश राजीव कुमार जी ने किया था उसका पूरा पर्दाफाश इस एफिडेविट में किया हुआ है, जिसके बिना पे कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, राजीव कुमार कानून से ऊंचे नहीं है, उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा, इन सभी सवालों का जवाब राजीव कुमार को शिलोंग में सीबीआई के ऑफिस में आकर देना ही पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन जब उपद्रव हुआ था तो यह कहा था कि जिस प्रकार सीबीआई के ऑफिसरों की घेराबंदी हुई थी, उनके परिवारों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया था, उनके घर पर जिस प्रकार नाकेबंदी हुई थी, इस पर भी सीबीआई ने एक कंटेम्प्ट ऑफ नोट कोर्ट के लिए कहा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए पुलिस अफसरों पर। जो तीसरा पॉइंट आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का है, उन्होंने कहा है तमाम उन पुलिस अफसरों पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा जिन्होंने जबरन सीबीआई ऑफिसरों को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर गए, जिन लोगों ने उनके परिसर की घेराबंदी की, उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। मैं उसी को आगे बढ़ाती हूँ, मैं चलती हूँ जरा सा विक्रम सिंह जी के पास। विक्रम सिंह जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से सीबीआई की जांच और उसे लेकर ये सियासी खींचतान, कुल मिलाकर अब यहां पर डिफेंस किया ली जा रही है कि राजीव कुमार को आरोपी, दोषी, गवाह, मतलब शब्दों के जाल में कहीं ना कहीं पूरे मामले को फंसाने की कोशिश की जा रही है। विक्रम सिंह जी,
निसंदेह रुमाना जी, पहले वक्तव्य में आपको संशोधन करना चाहूंगा। मैंने कहीं भी दीदी का समर्थन नहीं किया, मैंने यही आपत्ति जताई थी कि जिस प्रकार से सीबीआई के साथ सहयोग करना चाहिए था उसका नितांत अभाव था, और उसके अभाव में स्पष्ट होता था कि कहीं न कहीं आप कुछ छुपा रहे हैं। राजपूत साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सीबीआई ने 3 बार सफीना और नोटिसेस भेजे थे, और उन नोटिसेस के बावजूद शायद राजीव जी ने कोई प्रति उत्तर दिया था, चार बार भेजे गए, लेकिन उसके अभाव में आपको उत्तर न देना। ऑलरेडी स्टे था, 4 बार सफीना भेजा गया था। मैं नहीं समझता हूं कि नहीं, हाईकोर्ट से स्टे अगर आपने लिया तो आप ये देखिए, मैं इतने प्रकाश तो नहीं डालूंगा, लेकिन मैं कहूंगा अगर सुप्रीम कोर्ट की एक व्यवस्था है, हाईकोर्ट की एक व्यवस्था है, जिम्मेवारी से कह रहा हूं हाईकोर्ट से स्टे था, हाईकोर्ट का, और वो स्टे अगर आपको चाहिएगा तो मैं आपको भी भेज दूंगा। नहीं, हाईकोर्ट नहीं, मेरे पास कागज है, आप हाईकोर्ट के ऑर्डर को रजिस्टर नहीं करेंगे। राजपूत साहब आइए आइए, मुझे मौका दिया जाएगा, अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर आप मुझे सर नहीं करेंगे। जी जी, अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर मेरे ऊपर सर्व नहीं होगा तो मुझे कोई पूर्वाभास नहीं होगा कि हाईकोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है। देखिए जिस तरह का पोल पट्टा सामने आ रहा है, आपने हाईकोर्ट से अगर ऑर्डर लिया कि आपने सर्व किया, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि सीबीआई के ऊपर अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर सर्व होगा वो उसकी अवमानना करेंगे। कोर्ट ने कहा था आप हाईकोर्ट जाइए, बिल्कुल ठीक। अब हाईकोर्ट न जाकर के इस पे तमाम जो पेश दर पेश सामने आ रहा है, अब अगर हम वर्तमान में आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की नोटिस भी दी है, और अवमानना की नोटिस दी है पश्चिम बंगाल के डीजीपी चीफ सेक्रेटरी और राजीव कुमार को। सिलसिलेवार करेंगे, आप तो जिम्मेवार अफसर रहे हैं सर। हाईकोर्ट के ऑर्डर को डिफाई करके सुप्रीम कोर्ट सीबीआई उनके पास गई थी। नहीं 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 नहीं, मैं उत्तर देता हूं सर, ये गलत बयानी आप कर रहे हैं। अगर देखे, ऐसा होता तो फिर ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं, ये गलत बयानी है, और इसको ऐसे प्रस्तुत करना नहीं लगा देती सीबीआई को, तो सुप्रीम कोर्ट में उधेड़ दिए जाते सीबीआई। अगर आपकी बात एक बार मान ली जाए, आप बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, उसके बाद हम ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे, और जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में अगर ये तथ्य जाता कि उन्होंने से भी होगा, और संबित पात्रा से बड़ा सवाल टाइमिंग को लेकर होगा कि साहब गजब की टाइमिंग। वैसे सीबीआई की भी आप देखिए, चुनावी साल है, जब सीबीआई की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है, और 22 पार्टियां जो हैं वो कोलकाता में जब मोदी सरकार के खिलाफ अपना ताकत दिखाती हैं, शक्ति परीक्षण करती हैं, और साथ ही साथ योगी का हेलीकॉप्टर जब बंगाल में उतरने नहीं दिया जाता तो सीबीआई लैंड कर जाती है कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर के बाहर, और ये पूरा सियासी ड्रामा, इस पर भी चर्चा आगे करेंगे। आप रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे। संविधान की शपथ देख रहे हैं आप, मोदी वर्सेस ममता, कौन जीता कौन हारा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह, लेकिन सियासी नफा नुकसान में किस तरीके से इस पूरे विवाद के बाद जुटी हुई हैं पार्टियां। आइए जरा आप इस दिशा में भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, और रुक करते हैं संबित पात्रा का। संबित, गजब की टाइमिंग सीबीआई की कि योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड कर नहीं पाता, लेकिन सीबीआई के अधिकारी लैंड कर जाते हैं कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर। इसमें क्या बुराई है, ये अपना ही देश है। क्या आप योगी आदित्यनाथ जी को, हमें और सीबीआई को वीजा लेके जाना पड़ेगा बंगाल? देखिए, जहां तक ये गजब की टाइमिंग का विषय है, मैं कुछ टाइमिंग बताने वाला हूं। राजीव कुमार जी को इस पूरे विषय में कोऑपरेशन करना चाहिए, इसलिए 4 बार समन भेजे गए। यहां 3 बताया गया था, मैं आपको तिथि के साथ बताता हूं समन कब कब भेजा गया। 18 अक्टूबर 2017 को, हाँ आपने 4 कहा था, 18 अक्टूबर 2017 को पहला नोटिस भेजा गया सेक्शन 160 सीआरपीसी के अंतर्गत। राजीव कुमार जी ने कहा कि उस समय पूजा इत्यादि चल रहा है, मैं नहीं आ सकता हूं। 23 अक्टूबर 2017 को पुनः नोटिस भेजा गया, राजीव कुमार जी ने कहा मैं नहीं आ सकता हूं, मेरे को थोड़ी सी जुकाम हो गई है। 18 अगस्त 2018 को डीजी पुलिस को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भेजा गया कि आप अपने पुलिस कमिश्नर को कहिए कि वो एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल जगह पे, जहां दोनों की सहमति हो उस जगह पे आ जाएं, हम वहां चले जाएंगे, वहां बातचीत हो जाएगी। डीजी ने मना कर दिया। 8 दिसंबर 2018 को पुनः समन भेजा गया, राजीव जी ने समन एक्सेप्ट किया मगर वो आए नहीं जिस जगह उनको आना चाहिए था। तब जाके सीबीआई ने वो किया जो उनका धर्म है। तो ये आज का काम नहीं, आप बता दीजिए राहुल जी, फिर टाइमिंग पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं आप लोग। आइए राहुल जी, राहुल जी मेरी आवाज मिल रही है आपको?
मुझे लगता नहीं है राहुल जी से हमारा संपर्क हो पा रहा है, काफी अपनी गर्दन टिकाकर कुर्सी पर आराम से बैठे हुए हैं वो, मुझे लग नहीं रहा है वो हमें सुन पा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी लेकिन हंस रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, अब आपने तो प्रतिक्रिया दे दी सर कि आपको आवाज मिल रही है, अब आप ही जवाब दीजिए इस पर, टाइमिंग पर आप भी बहुत सवाल उठा रहे थे। टाइमिंग पर तो देखिए रोमाना सवाल उठेंगे ही, सच्चाई यह है कि जब सीबीआई का इनको पूरा पूरा कूप करना होता है, तख्ता पलटना होता है, तब रात में 2 बजे भी ये लोग तख्ता पलट देते हैं। संवैधानिक संस्थाओं का इतना दुरुपयोग करते हैं कि आप अगर देखें कि आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 2 अफसरों की बैठ करके मांडवाली प्रधानमंत्री जी स्वयं कराते हैं, क्या नाम वर्मा जी की और अस्थाना जी की, ठीक है ना। आपने पुरानी बातें तो याद करनी ही पड़ेगी ना। आदरणीय संबित पात्रा जी सारी पुरानी बातें कर रहे हैं। आदरणीय संबित पात्रा जी कौन सी भविष्य की बात कर रहे हैं, इस केस से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, तो भाजपा वाले, रुमाना जी आप क्या चाहती हैं कि मैं भविष्य वक्ता हो जाऊं भारतीय जनता पार्टी की तरीके से? क्या रुख था और 2019 कांग्रेस का रुख क्या है, ये स्टैंड क्यों बदल गया आपका, आप ये बता दीजिए। और वो भी आज भी मैं बता अभी हाँ, भी आपके बहुत सही बात आपने कही। जो बंगाल के अंदर है वो अभी भी कह रहे हैं कि गलत कर रही है ममता बनर्जी, तब भी सर सुर अलग अलग है। सुन लीजिए, बिल्कुल सही कहा आपने, हम आपको बड़ी जिम्मेवारी से कह रहे हैं, हम जांच के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल जांच के खिलाफ नहीं है, और दोषियों को कठोरतम कार्रवाई मिलनी चाहिए, नारदा हो चाहे शारदा हो, और चाहे कोई भी किसी तरीके का स्कैम हो, मुकुल राय हो या कोई भी बड़ा से बड़ा नेता हो, अगर उसको क्या नाम फांसी भी हो सकती है कोर्ट से तो वो भी होनी चाहिए, क्योंकि गरीब के पैसे गए हैं। नंबर एक, जांच के खिलाफ हम कतई नहीं है, लेकिन जांच का जो तरीका है, जो लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। चाहे वो देहरादून में केस किया हो लोगों ने, चाहे वो और कहीं केस किया हो, इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोट, आप किस आधार पर कहकर निकल रहे हैं? मैं यही तो पहले राहुल से भी पूछ रही थी, किस आधार पर आप लोग कह देते हैं लोकतंत्र की हत्या, किस आधार पर आप लोग कह देते हैं संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस आधार पर आप लोग कहते हैं कि संघीय ढांचा खतरे में आ गया है, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तब आप लोग ऐसी कोई दलील नहीं देते? यही तो मैं कह रही हूँ, गलत जबानी, गलत बयानी, अदालत में कुछ और, जनता को कोई दूसरा चेहरा दिखाते हैं आप लोग। सर मुझे आगे बढ़ना होगा, मुझे आगे बढ़ना होगा, और मैं राहुल चक्रवर्ती का रुख करती हूँ। राहुल अगर मेरी आप आवाज सरपंच मिल रही चेहरे पर बैठी हैं, तो आप कम से कम जवाब देने का मौका दीजिए। सर मैं सबको पूरा मौका देती हूँ, सरपंच बैठी हैं तो जवाब देने का मौका देती हूँ। सर गुमराह मत कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि वो हाई कोर्ट का ऑर्डर 13 फरवरी तक, सुन लीजिए, 13 फरवरी तक सारे अफसरों को गिरफ्तारी पर या पूछताछ पर रोक लगाए हुए था, हाई कोर्ट का वो ऑर्डर था। ये मेरा ऑर्डर नहीं था, ये कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन आप सवाल करके अगर पूछना नहीं चाहती हैं तो मुझे भी कहना पड़ेगा कि आप कहना चाहती हैं, आप थोड़ी कम कहना चाहती हैं। सर मैं सबकी बात सुनती हूँ, सर मैं सबकी बात सुनती हूँ, मैं नहीं चाहती मेरा दर्शक कंफ्यूज है। जो भ्रष्टाचार खिलाफ जांच हो, अगर मैं आपको तथ्यात्मक जवाब दे रहा हूं, राहुल को आने दीजिए, प्लीज राहुल को आने दीजिए, प्लीज राहुल को आने दीजिए। कल की बहस आइए, आइए राहुल, आइए राहुल, आइए और आज की बहस ले लीजिए अभिषेक। मैं ये कहना चाहता हूं, आज की बहस में क्या कहा, चार चार नोटिस भेजेगा, पढ़कर आइए जरा, क्या अन्याय तो तरीका को लेके है, अन्याय जो है वो मेंटेलिटी लेके है। जी मैं पढ़ के आता हूँ, ठीक है सर, आइए राहुल आप आइए, विद्वान के शो में नहीं आ सकता, मेरी हिम्मत नहीं है। सर प्लीज अब बहस आगे बढ़ा लें, प्लीज थोड़ा तर्क के साथ बात कर ले, पूरा पढ़ के आता हूँ, ठीक है सर। रोमाना जी पूरा कह रहा हूँ, मैं रोमाना जी बात की है, जो रोमाना जी गंभीर बात कर लेते हैं, आइए राहुल जी। अच्छा रोमाना जी हमको कहने दीजिएगा या कोई बात करते जाए? अरे आप ही के कजिन सवाल करिए आपसे, हमसे आप बात कर रहे हैं, जवाब तो दे लीजिए प्लीज। अरे भाई बात तो कर रहे हैं, मगर हमारा भी कुछ बात तो है समित जी। राहुल बोलिए, आप ही का समय चल रहा है, जवाब दीजिए। के खिलाफ अगर जांच हो तो होने दीजिए, जिसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। हम लोग भी चाहता है जो शारदा नर्मदा का भ्रष्टाचार का सामने आए, हम लोग भी चाहता है जो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, जितना सारे घोटाला हुआ है उसका सामने आए, रफाल डील का घोटाला सामने आए, हम लोग भी चाहता है, मगर पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है जो बंगाल में हो रहा है, जब 19 तारीख को महागठबंधन का सूचना यहां से हुई है, तो बंगाल किसके बाद बंगाल में टारगेट हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो बाबुल सुप्रियो भी होना चाहिए, होना चाहिए तो आज ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी दिया है, उसमें साफ लिखा है सीबीआई को, आपका सुदीप्त सेन ने उसमें हेमंत बिश्व शर्मा का नाम लिखा है, तो उसको भी होना चाहिए जांच। तो वहां पर क्यों खामोश है भाजपा ने,
क्यों भाजपा शासित राज्य में सीबीआई नहीं हो रहा है, क्यों बुलंदशहर में इतना बड़ा घटना घट गई है, वो पुलिस का मारा चुका है, एक भी सीबीआई जानकारी इंक्वायरी क्यों नहीं हुआ? तो ये चुन चुन के क्यों भाजपा जहां नहीं है वहां हो रहा है, इसका जवाब क्या है? जवाब ले लेते हैं, ग्रुप के जितना जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, संबित पात्रा जवाब है, धमकाने का जो कोशिश कर रहा है, अचानक से मुकुल रॉय, हेमंत बिस्व शर्मा, बाबुल सुप्रियो, इन सबको कैसे क्लीन चिट मिल गई? बीजेपी में आते हैं तो चिटे बांट दी जाती है क्या कि आप आ गए, लीजिए आप भ्रष्टाचार मुक्त हो गए, सर्टिफिकेट बांटते हैं क्या आप लोग? कि सीबीआई को बिल्कुल याद ही नहीं आ रही है इन लोगों की, इनसे भी पूछताछ कर ली जाए? मैं जवाब दे रहा हूँ, हाँ जी, नहीं पहले फैक्ट करेक्ट करने के पास कमल छाप साबुन तैयारी के सब सारे पाप धो दो। अच्छा अच्छा जवाब जवाब लेते हैं प्लीज सर, जवाब लेते हैं, संबित आइए जवाब दीजिए। देखिए फैक्ट चेक करिए, अभी सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल करके देख लीजिए, 12 जनवरी 2015 को मुकुल राय को समन किया गया था कि नहीं, 10 घंटे तक पूछताछ चली कि नहीं सीबीआई द्वारा, सीबीआई ने मुकुल राय की पूछताछ की, टीएमसी में थे ना, जहां तक राजीव बीजेपी में आने के बाद तो सर्टिफिकेट मिल गया, यही तो आरोप है, 2015 की बात बता रहे हैं, तब तो टीएमसी में थे, कोई क्लेश नहीं, कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है रुमाना जी, आप देखिए सीबीआई अपने अभी तक किसी प्रकार का इस रिपोर्ट को क्लोज नहीं किया है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, जब क्लोज होगा तो क्लीन चिट मिली है या नहीं मिली है तब स्थापित होगा। हमारा इतना कहना है कि राजीव कुमार जी ने सीबीआई से अपने आप को इंट्रोगेशन के लिए सबमिट नहीं किया अपने आप को, जबकि बाकी लोगों ने किया हुआ है। जहां तक आपने रफाइल इत्यादि की बात की, मुझे लगता है ये विषय भी नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में हम वो केस जीते हुए हैं, मेरा सिर्फ एक ही कंटेंशन है और मैं 10 सेकंड में समझा देता हूं आपको। राजनीतिक आपने कहा कि इस बार आप राजनीतिक परिपेक्ष में बात करेगी, मैं आपको समझाता हूं कि दरअसल में हुआ क्या है। देखिए ये जो सब ये 23 पार्टी के लोग आदरणीय संबित पात्रा जी, अरे ठीक है सुन लीजिए, कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट है, कोई नर्सरी क्लास नहीं है जो हम लोग वहां बरगला रहे हैं और वो हमें सुन ले रही है। अब सुन लीजिए सर, यहाँ बीच बीच में नहीं बोलना है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, बैठे हुए हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। रुमाना जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पे चिल्लाचोर की डिबेट ना हो, हम शांति से बात कर लें, फिर आ जाइएगा आप, सुन लीजिए उनकी बात, आइए संबित आइए। देखिए विडंबना कांग्रेस पार्टी की, देखिए मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ, मैं वहां जा नहीं रहा था, प्लीज मिस्टर राजपूत प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। देखिए ये 5 ट्वीट्स हैं, देखिए इन सारे ट्वीट में कांग्रेस पार्टी ने कहा देश का सबसे बड़ा घोटाला शारदा स्कैम है और आज उसी शारदा स्कैम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जो इनके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कलकत्ता के अंदर वेस्ट बंगाल में, वो खुलेआम आके सरेआम आके कह रहे हैं, सर आप कंप्लीट करने दीजिए, आपके बीच में भी मैं बोलूंगा फिर डिबेट नहीं हो पाएगा। नहीं आप ये चिल्ला चोट करना बंद कर दीजिए, ममता बनर्जी के स्पोक्स पर्सन शांति से बैठे हुए हैं, राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं, ऐसे बहस नहीं हो सकती है, प्लीज आवाज कम कीजिए सुरेंद्र राजपूत जी की, प्लीज सुरेंद्र राजपूत जी की आवाज कम कीजिए, ठीक है? संबित आप जो अधीर रंजन चौधरी के बारे में बात कर रहे हैं वो सवाल मैं भी उनसे पूछ चुकी हूँ, मैं अच्छा जल्दी से कंप्लीट कीजिए क्योंकि मुझे राहुल के पास जाना है, प्लीज जी। देखिए मैं आपको समझाता हूं इसके पीछे राजनीतिक खेल क्या है। देखिए जिस प्रकार से ये 23 पार्टी के लोग एक दूसरे के हाथ पकड़कर कलकत्ता के ब्रिगेड ग्राउंड में खड़े हुए, कहीं ना कहीं ममता जी को प्रोजेक्ट किया, ममता जी ने आओ देखा ना ताओ, जैसे ही सीबीआई पहुंची उनको लगा कि ये तो वन अपमैनशिप है, मैं राहुल को बाकी माया जी को मुलायम जी को पिछाड़ देती हूं, मैं ममता बनके ममता वर्सेज मोदी करती हूं, तो वो वही करने में लगी थी। आपको क्या लग रहा है कि वो सीबीआई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में लगी थी? फंस गई उस जाल में राहुल चक्रवर्ती बड़ी खूबसूरती से अपनी सियासत साधने के लिए, आप लोग तर्क देते हैं साहब लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र क्या है राहुल जानते हैं आप, लोगों का तंत्र है ना ये संविधान जो है, इस संविधान की पहली लाइन पता है क्या है, हम भारत के लोग, ये इस संविधान की पहली लाइन है ना सर, मैं चलते चलते इस कार्यक्रम में आपसे जानना और समझना चाहती हूँ राहुल जी 17 लाख लोग हैं बंगाल के, सर छोटी छोटी सेविंग की थी, किसी ने अपनी बच्ची की शादी के लिए, किसी ने अपने बुढ़ापे के लिए, कभी आपको नहीं लगा, आपकी नेता को नहीं लगा कि सड़क पर उतर कर उनके लिए आंदोलन किया जाए? आप लोग अपनी राजनीति के लिए आंदोलन कर रहे हैं सर, नाम है नीरव मोदी, सर नीरव मोदी, सुनिए मेहुल चौकसी, रफेल, मैं तो कह ही रही हूँ, सिर्फ सियासत आपको याद आती है सर, बंगाल के लोगों के लिए लड़ाई लड़नी है ये कभी याद नहीं आता आपको, ये कभी याद नहीं आता क्या? बंगाल के लोग जिन्होंने सत्ता में पहुंचाया, जरा उन भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए अगर सड़क पर इसी तरीके का आंदोलन करते तो शायद ज्यादा बेहतर होता सर, ज्यादा बेहतर होता। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।